तो अभी इवनिंग टाइम पे देख सकते हैं आप चौखंबे के ऊपर ऊपर चोटियों पे धूप। बाकी क्या बोल सकते हैं, बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस पूरे एरिया में। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई व्लॉग चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है जी 11:30 बजे से। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं अपना काम खुद करता हूँ, झाड़ू पोछा कपड़े वगैरह, और डेली लैंडस्लाइड पे जा रहे हैं तो वहाँ हमारे कपड़े बहुत सारे गंदे हुए। तो आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए और अभी व्लॉग शुरू करने का टाइम मिल रहा है तो व्लॉग शुरू कर रहे हैं। आइएगा, पहले कपड़े मैं धूप पे रख लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको चारों ओर का मौसम दिखाते हैं। तो ये है जी आज का काम, देख सकते हैं पूरे 9 कपड़े हैं ये, यहाँ से लेकर वहाँ तक। और 2-4 जो पहने हुए थे उनको अब दिन में धुलूँगा क्योंकि अभी थकान लग चुकी है। और ये सारे कपड़े जो हैं लैंडस्लाइड में गंदे हुए हैं, तो मैं हफ्ते में एक ही दिन धोता हूँ सारे के सारे। ये है जी हमारा सुंदर सा गांव जगोड़, जो कि है डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग, स्टेट उत्तराखंड का, बहुत ही खूबसूरत गांव। और गांव के ऊपर आप देखते होंगे, जब भी मैं मौसम दिखाता हूँ आपको तो बादल ज़रूर दिखते हैं, ये सदाबहार है। आइएगा एक बारी चारों ओर का मौसम देखते हैं। आइएगा चलते हैं अब नीचे वाले घर पे। काफ़ी टाइम हो गया है, लंच टाइम होने ही वाला है, 12:15 हो चुका है। और आसमान में घूम रहे हैं आजकल बहुत सारे हेलीकॉप्टर, शायद केदारनाथ की यात्रा खुल चुकी है तो इस वजह से कुछ सामान लेके जा रहे हैं। वो बड़ा सा हेलीकॉप्टर होता है ना जिसमें सामान भी जाता है, तो वो वाला है। तो फिलहाल तो मैं चलता हूँ नीचे वाले घर पर और कोशिश करेंगे नीचे जाएंगे जहाँ मैंने पीपल का पेड़ लगा रखा है, जहाँ भूस्खलन के पत्थर दिखाए थे मैंने आपको, तो वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ बीच में कितने खेत हैं। अब वहाँ से बहुत नज़दीक होगा, लैंडस्लाइड पर तो नहीं जा पाऊँगा अभी, कोशिश करूंगा कि शाम को जाऊं और अच्छे से आपको दिखाऊं। तो आजकल ये वाली रोड काफ़ी बिजी हो गई है और देखो खड्डे पड़ रखे हैं इसमें, क्योंकि सारी गाड़ियाँ इधर ही से आ रही हैं और अभी भी आ रही है। देखो ये बड़े बड़े से ट्रक इसी रास्ते से आ रहे हैं, क्योंकि नीचे का जो हमारा विकल्प था वो टूट चुका है। अब ट्रक वगैरह भी काफ़ी दूर से घूम के आ रहे हैं इसी रास्ते से। काफ़ी ट्रैफिक बढ़ गया है हमारी इस रोड का। तो अभी पहुंच ही गए हैं जी नीचे वाले घर के रास्ते पे और लंच करने बाद में आएंगे, अभी तो 12:15 हो रहा है। तो कोशिश करेंगे कि 1:30 बजे तक वापस आ जाएं। मैं नीचे लेके जा रहा हूँ आपको, जहाँ वो भूस्खलन हुआ है उसके ऊपर से मैं आपको दिखाऊँगा खेत। और ये है जी पीछे आप देख रहे हैं हमारा पुराना घर, और आ गया हूँ मैं इस पुराने वाले मकान पर, देख सकते हैं। ये है जी वो पुराना मकान जिसमें डंडियाली, बौन, गबरा सब कुछ है, कोली, और ये पीछे कोठड़ी दिख रही है जो सिंगल वाली है। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं एकदम नीचे, वहाँ से देखेंगे अच्छे से। तो आ गया हूँ जी मैं काफ़ी नीचे, और देख सकते हैं आजकल बरसात के इस मौसम के बाद घास हो रखी है, चलने का भी रास्ता नहीं है, तो चारों ओर घास है और अभी सांप वगैरह भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों जाएंगे इस पत्थर पे और यहाँ से दिखाएंगे आपको, अगर यहाँ से नहीं दिखेगा तो एक पत्थर यहाँ बगल पर है वहाँ पर जाऊँगा मैं, बाकी आप यहाँ से नज़ारे देखें। आज से 2 साल पहले यहाँ भी लैंडस्लाइड आया था, लेकिन वो घर से काफ़ी दूर है, उसका उतना डर नहीं था। लेकिन ये वाला जो है ये ठीक हमारे घरों के नीचे से है, तो काफ़ी डर लग रहा है आजकल, माहौल बना हुआ है डर का, रात भर सोना हराम हो रखा है, बारिश भी आ रही है, मैं तो सो ही नहीं रहा हूँ आजकल। 4 बजे सो रहा हूँ, 10 बजे उठ रहा हूँ, 6 घंटे की नींद, वो भी अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो फाइनली गाइस मैं पहुँच चुका हूँ, देख सकते हैं यहाँ से लैंडस्लाइड आपको दिख रही होगी नीचे, और इधर की साइड देखें आप। अभी मैं आपको बैक कैमरे से और भी अच्छे से दिखाऊँगा। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ तक पहुँच चुका है जी, और यहाँ पे हमारे मकान है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है जी लैंडस्लाइड, और ये लैंडस्लाइड पहुँची है जी यहाँ तक, ये देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से इस एरिया से मुश्किल से मुश्किल, जैसे कि मैंने कहा था 20 या 25 खेत होंगे सीढ़ी नुमा, छोटे छोटे से खेत, और ये जो ये पेड़ देख रहे हैं घास के सारे हमारे मोहल्ले के, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये मेरे ऊपर वाले मकान की मोमटी दिख रही है, ऊपर वाले मकान की, और घर तो इससे भी काफ़ी नीचे है। तो घर यहाँ पे ठीक इन पेड़ों के पीछे पे है, तो देखें आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से लेके यहाँ का तक ये गैप है जी, ये वाला, और बिल्कुल नीचे खाई बनी हुई है तो खतरा बना हुआ है, क्योंकि यहाँ अगर थोड़ा सा ऐसा बिल्कुल स्लोप टाइप का होता, यानी कि एकदम सीधी खाई नहीं होती,
तो उतना डर नहीं होता, लेकिन यहाँ खाई बन गई है तो इन खेतों को आने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा अगर बारिश आती है तो ये खेत बहुत जल्दी नीचे आ जाएंगे। बाकी दोस्तों क्या बोल सकता हूँ, बचपन की यादें बहुत जुड़ी हैं इस पूरे एरिया में, क्योंकि बचपन पूरा यहीं कटा है मेरा। जन्म तो हरिद्वार में हुआ था लेकिन बचपन पूरा यहीं कटा है, और इसकी याद आएगी अगर ये जाता है तो। वैसे भगवान से प्रार्थना करेंगे, आप लोग भी दुआ करें कि ये खेत बच जाएँ। और कल मम्मी और ये गए थे यहाँ पे, तो ऊपर ऊपर तक यहाँ 3-4 खेतों तक दरारें आ चुकी हैं, तो वो भी जाने बिल्कुल तय हैं। तो धीरे 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 कटाव शुरू हो रहा है ना। ये पत्थर है वो जिस पे हम बैठ के जहाज़ उड़ाते थे, और देखे इसके नीचे भी मैंने आपको कल दरारें बताई थी उस वाले एरिया से। कल वहाँ नीचे गया था मैं, जहाँ मेरी उंगली का सिरा है यहाँ पे इस चोटी पे, तो इसके यहाँ से मैंने आपको इधर की स्लाइड बताई थी, ये लैंडस्लाइड, और इसके नीचे जो दरारें पड़ी थी वो भी दिखाई थी। तो अभी चढ़ रहा हूँ जी मैं चढ़ाई, और बाकी आज बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि आज काफ़ी तेज़ धूप है, बारिश आ रही है ना, तो अंदर ही अंदर फिर घबराहट शुरू हो जा रही है। तो ये है जी आज का लंच, जो कि बनकर हो गया है तैयार गर्मा गर्म एकदम। और आज है कद्दू की सब्जी चावल, और यहाँ पे मैं दाल भी बनवाई है मम्मी से मैंने। तो लंच करके आ गया हूँ जी मैं ऊपर वाले घर पे, थोड़ा सा आराम करना था लेकिन आराम है आज नहीं कर पाऊँगा। सुर लहर पे पूरा एक हफ्ता होने को है, एक भी वीडियो नहीं डाला है, तो आज उसके लिए ही एक वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा आप भी सुन लीजिए। इवनिंग दोस्तों, तो ये है जी इवनिंग टाइम, और आज तो दिन में भी नहीं सोए क्योंकि आज दो वीडियो बनाई हैं और रात अपनी है, तो रात को एडिट करेंगे अच्छे से, सुर लहर पे भी, और ये वाली जो वीडियो अभी बन रही है ये भी आपको मिलेगी सुबह 8 बजे। बाकी लैंडस्लाइड का आज कोई भी आइडिया नहीं है, मैं गया ही नहीं वहाँ पे, अभी देखते हैं वाहन मिलता है तो जाएंगे, और आज धूप लगी हुई है तो आज जाने का मन भी नहीं कर रहा। बार बार क्या देखें, टूटते हुए खेत देख के दिल दुख रहा है, अपने सारे खेत टूट रहे हैं। तो पहुँच चुका हूँ मैं अपने गाँव के क्रीड़ा मैदान में, और अभी चल रही हैं सर्द हवाएँ, आप देखें ये हैं कुछ नज़ारे। तो चलते हैं अनिरुद्धा भाई की दुकान पे, बना दूं भी शुभम 3 महाराज गांव भगने वाला है। तो देख सकते हैं आप जितने खेतों में आपको पराल दिख रहा है उन सब से धान निकाल लिया गया है, मान लिया गया है। तो अभी इवनिंग टाइम पे देख सकते हैं आप चौखंबे के ऊपर ऊपर चोटियों के धूप। तो आ गया हूँ जी मैं अपने ऊपर वाले मकान पे, और बाहर हो गया पूरा अंधेरा, लाइटें खोल दी हैं लोगों ने, तो आज लैंडस्लाइड पे नहीं जा पाए क्योंकि वाहन भी नहीं मिला और जाने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि डेली वहाँ पे अपने खेत गिर रहे हैं, वहाँ पे देख के ना कुछ अजीब सा ही हो रहा है। तो मिलते हैं आपको एक और नई ब्लॉग में, और नए आ गए तो वेलकम आपका, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करें। बाय बाय।